Hello friends, welcome back. This is Sunil Verma. Thanks for the time Achal and thanks a lot for support. So friends, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपनी LIC का जो प्रीमियम है उसे जमा करा सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाली है, छोटी सी वीडियो होगी। तो जैसे कि आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप चाहे तो अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ से आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको डाल देना है LIC इंडिया। तो जैसे ही आप LIC इंडिया करेंगे, सबसे ऊपर LIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसको आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप इस साइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ से थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ी सी प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर पे डायरेक्ट और नीचे व्यू डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे बीच में लिखा है प्लीज़ सिलेक्ट, प्लीज़ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कर देंगे इसको रिन्यूअल प्रीमियम रिवॉल, इसको इस पर एक बार टैप करके इस पर कर देंगे यहाँ से आप डन, ठीक है। डन करने के बाद आपका जो पूरा प्रोसेस है वो 3 स्टेप के अंदर होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप करेंगे प्रोसीड। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके जो LIC की पॉलिसी है उसका नंबर यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जो कि आपकी पॉलिसी के ऊपर या फिर आपके पुराने रिसिप्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम जो कि आपको आपके पुराने रिसिप्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो अपने एजेंट से भी पूछ सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 1216 में यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको आपकी जो डेट बर्थ है वो इसी फॉर्मेट के अंदर आपको डालनी है, तो मैंने उसी फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। नीचे आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आप करेंगे सिंपल सबमिट। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे आप टैप करेंगे और यहाँ पे करेंगे आप सबमिट, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे ओके, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो आप एक साथ कई और पॉलिसीज अगर आपके फैमिली में हो तो आप चाहे तो यहाँ पे एड मोर पॉलिसीज करके आप यहाँ पे भी उन पॉलिसीज को ऐड करके उनका पेमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही है तो मैं यहाँ पे इसी को रहने दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा अब सिर्फ 1 महीने का पेंडिंग है। अगर आपका ज़्यादा पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको विद GST यहाँ पे दिखा दिया भाई 1270.72 इतना मुझे पे करना है। नीचे आना है, यहाँ पे आपको कर देना है सिंपल सा प्रोसीड के ऊपर क्लिक। इसके बाद यहाँ से आप करेंगे सीधा चेक एंड पे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ऊपर पेटीएम और एक है नीचे यहाँ पे चेक एंड पे बिल डेस्क। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, दोनों ही ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा तो मैं यहाँ से करूँगा नीचे वाले पे जहाँ पे है बिल डेस्क, यहाँ पे करेंगे आप चेक एंड पे। इसके बाद यहाँ से आप चूज करेंगे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ से आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद एक्सपायरी डेट जो कि आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलेगी वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद CVV नंबर, क्रेडिट कार्ड के पीछे एक 3 डिजिट का नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद नीचे करेंगे यहाँ से आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक। इसके बाद आपकी मेल आईडी के ऊपर या फिर आपके क्रेडिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है 1270.72। इसके बाद यहाँ से आप कर देंगे सीधा सबमिट। तो जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए आपके पास एक SMS भी आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे एक ईमेल के अंदर आपकी LIC की जो रेसिप्ट है वो भी आ जाएगी, ठीक है। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ चुकी है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दोबारा से रिडायरेक्ट होगा आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम पेमेंट इज सक्सेसफुल, आपका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे सक्सेसफुल पे हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आप करेंगे डाउनलोड रेसिप्ट। आप चाहे तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपकी जो रेसिप्ट है वो यहाँ पे करेंगे आप ओपन। तो यहाँ पे आपकी जो डाउनलोड रेसिप्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। आप इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे आपकी मेल के ऊपर, देखिए हाथों हाथ आपकी जो मेल के ऊपर भी यहाँ पे आपकी जो रेसिप्ट है वो आ चुकी है। आप चाहें तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने LIC का जो प्रीमियम है उसे अपने क्रेडिट कार्ड की हेल्प से पे कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नया है इसको सब्सक्राइब करें, ऑल पर आगे ऑल नोटिफिक करें ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।